तिरंगा हाथ में लेकर अपने पाप छुपाना चाहते हो। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, तिरंगा हमारा धर्म है। हमारे तिरंगे को हाथ में लेकर बीजेपी आटे दाल और चावल पर जो टैक्स लगाया है उससे ध्यान हटाना चाहती है, देश को बताना चाहती है कि हमने जब कहा तिरंगा पूरे देश ने लगा लिया, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। बीजेपी के लोगों, पूरा देश तुम्हारे साथ नहीं है। आटे दाल चावल पर टैक्स का विरोध करता है, तिरंगा लगाता है, 15 अगस्त को लगाएगा, लेकिन तुम्हें ठोक के मारेगा, ये ध्यान रखना है जिंदगी। और राष्ट्रपति बनवा को मौका आयोग को नहीं बनाया, प्रधानमंत्री बनवा को मौका आयोग को नहीं बनाया। अरे अपने गुरु की तरफ तो देख काका, पूरा देश की हालत खराब है। अडवाणी जी चुप्पी वास्ते बैठे, आपकी इज्जत ले बैठे, इनके आंख में शर्म नहीं है। अभी दो आदमी राज कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी की भी हैंगड़ी निकल गई, नाम ही नाम को सिंह रह जो राज का ही नाथ, हमारे समय कहीं हवा ही निकल। हमारी गारंटी है, आगे जगह मैं हो तो डॉक्टर घुट चुके हो तो माथा पूरी हुआ नक्की हो, क्या तो मैं को नहीं बचता, मैं नहीं बचता, क्या तो मान जाए चलो, क्या तो मैं को नहीं बचता, क्या मैं को नहीं बचता, अब तय बात है माथा पूरी पक्की हो। लेकिन ये पहली बार देखा नितिन गडकरी जी केरिया है, मेरी तो राजनीति से संन्यास लेने की इच्छा है। नितिन गडकरी जी लोकसभा में संन्यास लेने की घोषणा करो तो पहले आटे पे टैक्स का विरोध करना, नहीं पाप लगेगा इसमें ध्यान रखना। पहले आटे पर टैक्स का विरोध करना। आटे पर टैक्स का विरोध नहीं करोगे तो यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही हिंदुस्तान की सड़कें होगी, आर पार का संघर्ष होगा और फिर यातना नहीं फिर रण होगा और संग्राम महाभीषण होगा। और ये सुन लेना, जब संग्राम महाभीषण होगा तो बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी तो ये समझ रही है। मैं तो जचे नहीं दिया करने का मन कर रहे बीजेपी वाला भाई साहब, हमारे तो वो आएंगे, मैं मामू है, काको है, काको बाप है, वो भी घोषित करो, एक घोषित करो। मैं तो मामा जी इसलिए कहता हूं कि बाप नहीं हो सकते, तुम मामा हो सकते हैं, दो चार पांच, बाप तो हिंदुस्तान में एक ही होता। इसलिए मैंने कहा आप ये घोषणा करो कि मोदी जी मेरे को कह रहे आएंगे, हम तो आटा भी छीन लेंगे, दाल भी छीन लेंगे, चावल भी छीन लेंगे, मोदी जी आएंगे, हाथ हिलाएंगे, वोट मिल जाएंगे। मैं क्यों, अब की बार जब वो हाथ हिलाएंगे ना तो दूसरा इशारा जनता करेगी, कहीं गोली मिले तो मैं कर गोली सब। गद्दी से हटा के रहेंगे। आपने कहा लगातार कांग्रेस के नेताओं को डराया जा रहा है, राहुल गांधी भी आज ये बोले कि इस तरह जर्मनी में हिटलर का शासन था, इस तरह सारे आप देखिए उससे भी बदतर हालत हो रहे हैं। आज केवल और केवल दो ही लोग इस देश में शासन कर रहे हैं, केंद्र में बैठे मोदी सरकार के मंत्री एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, वो उनकी गलत बात का विरोध नहीं कर सकते हैं। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये सब आपके आपके सामने आपके उदाहरण हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि केवल सत्ता के लालच के लिए सारा खेल चल रहा है। देश की सेवा को नरेंद्र मोदी जी को कोई परवाह नहीं है, हमारी केंद्र की सरकार को कोई परवाह नहीं है, तो इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है आप स्वयं समझ सकते हैं। संसद में बोलने दिया जा रहा है, बिल्कुल ये सही बात है, सड़क पे नहीं बोलने दे रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, आवाज नहीं उठा सकते। जब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए, उनको जबरदस्ती 6-6 दिन तक 5-5 दिन तक बुलाया जा रहा है, सोनिया गांधी जी को परेशान किया जा रहा है, ये सब तो सहन कर लेंगे हम, लेकिन जनता के जो मूल मुद्दे हैं,
जो बेरोजगारी और महंगाई है उसके ऊपर तो ये कार्रवाई करें, और उसके बाद में हमारे खिलाफ कुछ भी झूठा साझा मुकदमा करके और ये कुछ भी करें, हमें कोई परवाह नहीं है, न राहुल गांधी जी को परवाह, न हमको, हम हमारे गिरफ्तारी, हम हमारे मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे, हम तो जनता के मुद्दों की आवाज बनकर के बात कर रहे हैं कि आप महंगाई कम करिए, आटे दाल चावल और जिस प्रकार से दालें दही पनीर सबके ऊपर जीएसटी लगा करके, पहली बार विश्व में आटे के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। मैं समझता हूं इस मुद्दे के ऊपर हम लोगों को आवाज, ऐसा नहीं लगता आपको कांग्रेस को डिस्टर्ब किया जा रहा है? बिल्कुल, गुजरात चुनाव सामने है, इनके जो सोर्सेज हैं जिससे चुनाव लड़ती हैं पार्टियां, जो चंदा जो लोग देते हैं उनको, सबको डराया जा रहा है कि हम इनको ही नहीं बख्शने, तुम क्या चीज हो, तुम क्यों कर रहे हो, तो पूरे देश में अराजकता का माहौल है। और मैं समझता हूं कि ये पूरी देश की दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, और अब जनता क्रांति करेगी और इनको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। अडानी को आपके साथ जोड़ा जा रहा है कांग्रेस के साथ? वो तो बिल्कुल, वो कुछ भी करेंगे, वो जितनी गलत बातें करनी होंगी करेंगे और मुद्दों से ध्यान हटकाने की चेष्टा करेंगे, और एक मीडिया में गलत परसेप्शन बनाने के लिए वो तरह तरह की गलत बयानबाजी करेंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं आप महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे हो, आप जीएसटी पे ये टैक्स क्यों लगा रहे हो, और आप बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को एक साल में रोजगार देने वाली बात कर रहे थे नौकरी देने की, वो नौकरियाँ आप क्यों नहीं।